हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेन्यू कार्ड बाई पारुल गुप्ता के किचन में। तो आज जो है कार्तिक पूर्णमासी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ आज तुलसी विवाह का आयोजन हो रहा है। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। कोई तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो कई इसके अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भी तुलसी विवाह करते हैं, तो वहीं कुछ लोग कार्तिक पूर्णमासी के दिन भी तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो हम लोग जो हैं ज़्यादातर तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक पूर्णमासी के दिन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नाम की एक लड़की थी जिसका नाम विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जालंधर के साथ हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के में जब युद्ध छड़ा तो जालंधर को भी उस युद्ध में जाना पड़ रहा था। तब वृंदा ने अपने पति से कहा कि मैं युद्ध में आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक कि आप वापस नहीं लौट आते हैं तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जालंधर युद्ध में चला गया। वृंदा के व्रत के प्रभाव से जालंधर देवताओं पर भारी पड़ने लगा। जब देवताओं को यह समझ में आया कि जालंधर को हरा पाना काफ़ी मुश्किल है, तो वे भगवान विष्णु जी की शरण में गए। जब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर पड़ी, वे तुरंत ही पूजा से उठ गई और उसने जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। इस तरीके से वृंदा का संकल्प भंग हो गया और अचानक ही वृंदा की गोद में जालंधर का सर गिर गया के। तो वृंदा ने पूरे जगत भगवान में विष्णु को हाहाकार श्राप मच दे गया। दिया फिर पत्थर लक्ष्मी का जी हो ने जब जाने का, वृंदा को विष्णु के समझाया तो पत्थर हो वृंदा जाने ने से स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। कहते हैं कि जिस जगह पर वृंदा सती हुई थी उनकी राख से वहाँ एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और साथ ही ये भी कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा हमेशा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। साथ ही भगवान ने तुलसी जी को यह वरदान दिया कि मैं बिना तुलसी के भोग तक स्वीकार नहीं करूँगा। कहते हैं जब से ही तुलसी जी की पूजा शुरू हो गई और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ में कराया जाने लगा। और इस तरीके से हमारे यहाँ तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हुआ। पूजा करने के पश्चात हम लोगों ने सुहाग लिया। हम लोग जो है गौरजा जी से हर पूजा में सुहाग लेते हैं और इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि मंगल की कामना की, बड़ों से आशीर्वाद लिया। और इसके बाद ही सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो काम लगता है प्रसाद लेना, तो बड़ों से प्रसाद लिया। प्रसाद में हम लोगों ने हलवा पूड़ी और पंचामृत बनाया था, साथ में खील और खिलौने थे। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।